बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल रशीद, आपको हमारे अलबाब ट्रैवल एंड टूर्स के यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज में खुश आमदीद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने लगा हूं सह खास और आमिल मंजिली वीज़ों के ई नंबर के बारे में कि अब तक उनके बारे में क्या अपडेट्स आई हैं। इसके अलावा सह खास और आमिल मंजिली जैसे वीज़ों की तरह सऊदी अरब ने कौन कौन से 10 वीज़े जो हैं और अनाउंस कर दिए हैं घरेलू मुलाजिम के तौर पर। और इसके अलावा अगर आप सह खास और आमिल मंजिली वीज़ों के मुतालिक कभी भी परेशान हैं तो आप परेशान मत हों। तो ये सब कुछ बताने से पहले मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकॉन का बटन भी दबा दें और इस वीडियो को शेयर भी कर दें। जी तो दोस्तों, अब शुरू करते हैं। जिन दोस्तों के अभी वीज़े आने हैं सह खास और आमिल मंजिली के वीज़े, तो वो दोस्त परेशान हैं ई नंबर की वजह से, वो आप परेशान मत हों। वो अपने वीज़े जो हैं, ये जो 10 न्यू वीज़े आए हैं इनके मुतालिक वीज़े लें। आप देखें कि सह खास और आमिल मंजिली का जो वीज़ा होता है, बहुत सारे दोस्त अब आप जो हैं ये वीज़े क्यों लेते हैं। असल मकसद यही होता है कि इन ये घरेलू मुलाजिम के तौर पर वीज़े होते हैं और इनकी जो मकतब अमल की फ़ीस है यानी कि अकामा की फ़ीस है वो बहुत कम होती है। मकसद यही होता है। सऊदी अरब ने ऐसे ही 10 वीज़े और अनाउंस कर दिए हैं। अगर आपको मसला आ रहा है सह खास और आमिल मंजिली में ई नंबर की वजह से, तो आप ये वीज़े ना लें। आप उन 10 में से कोई एक वीज़ा ले लें, उनके ई नंबर भी निकल रहे हैं, वीज़े भी लग रहे हैं, तो अब आपके लिए एक ये परेशानी ख़त्म हो गई है। अब मैं आपको बता दूँ कि वो 10 वीज़े कौन कौन से हैं। सबसे पहले नंबर पर तो है, आप देखें कि ये आया है आमिल अनायत शख्सी। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी सऊदी फैमिली जो है वो किसी भी बंदे को अपनी फैमिली के केयर टेकर यानी कि ख्याल रखने वाले के तौर पर रख सकती है। ये एक असल में मैं आपको बता दूं कि जैसे कि सह खास और आमिल मंजिली के वीज़े इस्तेमाल होते थे, सऊदी जो है वो ये वीज़े निकलवा कर दे देते थे और जो भी बंदे को बुलाते उसके साथ जो है सेटिंग करते कि आपने इतना इशारिया देना है, काम जो मर्जी करें। तो ये वीज़े भी उसी तरह के हैं, इसी तरह करना है, कफील के साथ सेटिंग करनी है और उसको इशारिया देते रहना है, काम जहाँ पर जो भी करते रहें वो सह खास और आमिल मंजिली की तरह ही होगा। ये देखें, एक वीज़ा ये हो गया। दूसरा वीज़ा जो है उसका मैना है हारिस मंजिली। हारिस मंजिली ये सह खास और आमिल मंजिली की तरह हैं। आप अगर आपको दुश्वारी हो रही है सह खास और आमिल मंजिली में, तो आप हारिस मंजिली वीज़ा लें। हारिस मंजिली क्या होता है कि बिल्डिंग की सफाई वगैरह या ख्याल रखने वाला, इसके तौर पर जो है ना अरबी वो एक बंदे को हायर कर सकते हैं, बुला सकते हैं वीज़े पर, ये वीज़ा दे सकते हैं। तो आपने क्या करना है, उसी तरह आपने कफील को मंथली देनी है और काम आज़ाद करना है, कहीं पर भी कर सकते हैं। ये हारिस मंजिली जो वीज़ा है ये आपके लिए सह खास और आमिल मंजिली की तरह है। उसके बाद है, आप देखें कि एक है ख्यात मंजिली। ख्यात मंजिली जो है इसका मतलब ये होता है कि टेलर, टेलर मतलब दर्जी, कोई भी जो सऊदी फैमिली है वो किसी भी दर्जी को अपने फैमिली के लिए हायर कर सकती है, उसको तनख्वाह पर रख सकती है। ठीक है, अगर कोई मतलब के दर्जी नहीं है तो ये महीना भी लेकर वो वहाँ पर जा सकता है और कफील के साथ सेटिंग करके मंथली देता रहे, काम जो मर्जी करता रहे, तो ये एक महीना भी चल जाएगा ख्यात मंजिली। उसके बाद है मदरस मंजिली। मदरस मंजिली का मतलब ये है कि एक टीचर, एक मुअल्लिम हायर करना, यानी कि सऊदी जो फैमिली है वो अपनी फैमिली के लिए एक टीचर जो है वो हायर कर सकती है। अगर वाकया में ही किसी सऊदी फैमिली को टीचर की ज़रूरत है, तो जो लोग पढ़े लिखे हैं, जो जिनकी पास तालीम है, तो वो एक टीचर के तौर पर भी सऊदी अरब में जा सकते हैं और वहाँ पर मुलाजमत कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा मौका है उन लोगों के लिए जो लोग पढ़े लिखे हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो किसी स्कूल या कॉलेज में जाकर जॉब करें, वो किसी घर में भी जाकर एज ए टीचर वहाँ पर काम कर सकते हैं।
तो उनको बकायदा सैलरी दी जाएगी। अगर ऐसा नहीं है तो इस महीने के तौर पर भी बंदे वहाँ पर जा सकते हैं, काम भी कर सकते हैं, ये भी घरेलू मुलाजम में आ जाता है। इसके बाद आता है कि ये देखें आप सफरी जी मंजली, मतलब के किसी भी बंदे को जो सऊदी फैमिली है वो सफ़र में लेकर आ जा सकती है, सफ़र में जो भी यानी कि लेना देना हो तो उसके थ्रू वो काम करवा सकती है। तो ये तो असल में मैंने का मकसद ये है कि उन्होंने बस मैंने मेंशन किए हैं, काम उसी तरह हैं जिस तरह सैखास और आमिल मंजली की तरह हैं। उसके बाद है आप देखें मुबाशर मंजली जो है इसका मतलब ये होता है कि जूस वगैरह घर में फैमिली को दे देना, ये भी एक घरेलू मुलाजम में आ जाता है। उसके बाद आता है कावा जी मंजली, यानी कि चाय या कावा वगैरह जो है घरेलू मुलाजम के तौर पर ये भी देने में आ जाता है। तो आप इस महीने के तौर पर भी जा सकते हैं और आप आज़ाद काम कर सकते हैं। उसके बाद आता है मज़ारी मंजली, इसका मतलब ये होता है कि घर में जो पौधे वगैरह हैं उनका ख्याल रखने के लिए एक घरेलू मुलाजम के तौर पर आप रह सकते हैं। अगर नहीं रहना चाहते तो ये मायना लेकर आप क्या करना है, कफील की इशारिया जो भी बनती है वो देते रहे और आज़ाद काम करते रहे। और इस तरह के और भी आप लिस्ट में देख रहे हैं, और भी जो वीज़े हैं ये टोटल 10 वीज़े आए हैं। तो ये सैखास और आमिल मंजली की तरह हैं। अगर आपका इशू बन रहा है सैखास आमिल मंजली के, ई नंबर नहीं निकल रहे हैं, वीज़े नहीं लग रहे हैं, बहुत सारे बंदे परेशान हैं, तो इनमें से कोई एक वीज़ा लें और आप जाएं। मकसद यही है कि अकामा की फ़ीस कम होती है और मकतब अमल की फ़ीस जो है वो कम होती है, काम जो है वो आप कोई भी कर सकते हैं कफील के साथ जो है ना आप एडजस्टमेंट कर। सबसे लास्ट में देखें कि एक वीज़ा है सैका खासा, सैका खासा ये औरत के लिए है। देखिए सैखास वीज़ा जो था वो एक मर्द के लिए था जो सऊदी जो फैमिली थी वो फैमिली ड्राइवर के तौर पर वीज़ा देती थी, तो जो भी मेल यानी कि मर्द है वो वहाँ पर ये वीज़ा ले जाकर काम करते थे आज़ाद, और मकतब अमल की फ़ीस जो है वो कम होती थी इसलिए वो इस तरफ रुझान करते थे। तो इसी तरह का एक ये जो वीज़ा आया है सैका खासा ये औरत के लिए आया है। अगर कोई औरत ड्राइवर है तो वो सऊदी फैमिली में घरेलू ड्राइवर के तौर पर सऊदी अरब में जा सकती है इस वीज़े पर, ये स्पेशल औरत के लिए है। तो इस वीज़े पर कोई भी औरत जा सकती है। ये 10 वीज़े आए हैं, आप देख सकते हैं सैखास और आमिल मंजली वीज़ों के ई नंबर के बारे में। रात को मुझे 2 बजे एक मैसेज आया, एक दोस्त ने मैसेज किया कि ई नंबर जो है निकलने शुरू हो गए हैं, लिहाजा आप जो है ना वीडियो अपलोड कर दें। मैंने उससे पूछा कि आपको कैसे पता चला, कि उसने यही बताया कि यूट्यूब चैनल के ज़रिए देखा। तो मैंने उसकी बात पर जो है ट्रस्ट नहीं किया, क्योंकि हम जो ख़बर देते हैं रियलिटी बेस पर देते हैं, जो ख़बर एक सच और हकीकत होती है वही ख़बर हम आपको आप तक पहुंचाते हैं। तो मैंने सिस्टम में देखा और दोस्त थे जिनके वीज़े मेरे पास आए पड़े थे सैखास आमिल मंजली के, मैंने एक दोस्त का चेक करके देखा कि वाकई ये नंबर निकलने शुरू हो गए हैं या नहीं हुए, तो वो उसी तरह सिस्टम आ रहा था, एरर दे रहा था कि ये नंबर अभी निकलने शुरू नहीं हुए सैखास और आमिल मंजली के। लेकिन ये नंबर निकलने नहीं शुरू हुए तो इसका ये मतलब नहीं है कि अब ये नंबर नहीं निकलेंगे, आप परेशान ना हों, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि सऊदी गवर्नमेंट ने जो है बहुत सारी अपडेट्स कर दी हैं। अब आप जिन दोस्तों के वीज़े सैखास आमिल मंजली के आ चुके हैं वो परेशान ना हो, जल्दी ये इंशाल्लाह अब मसला हल हो जाएगा। तो अब बाकी रही बात यह है कि ये देखें दिन ब दिन सिस्टम को वो अपडेट कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह सैखास और आमिल मंजली के जो ई नंबर हैं वो भी जल्द से जल्द निकलना शुरू हो जाएंगे, आप परेशान मत हों। आज के लिए इतना ही, मुझे दें इजाज़त, खुदा हाफिज़।